अतिक्रमण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना का हमला। रीवा जिले के मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना ने अपने निज निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मात्र गरीबों का आशियाना ही अतिक्रमण के रूप में दिख रहा। लक्ष्मण बाग का अतिक्रमण, सिविल लाइन का अतिक्रमण सीधा सीधा दिखाई देता है, बीजेपी के विधायकों के दौरान किया गया हुआ नहीं है, अतिक्रमण दिख रहा है। मेरे द्वारा पूर्व में रीवा कलेक्टर को भी ज्ञापन पत्र दिया जा चुका है, मगर उसके बाद भी जिले का प्रशासन नेताओं के इशारे पर मात्र गरीबों का घर एवं दुकान तोड़ रहा है, जिससे वे अपनी रोजी रोटी चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। साथ ही रीवा के मऊगंज में शराब के ठेके को लेकर मीडिया ने जब पूछा तो सुखेंद्र सिंह पन्ना के द्वारा बोला गया कि मेरे ऊपर कोई आरोप लगाए तो इससे ये तो नहीं साबित हो रहा कि मैं शराब बिकवा रहा हूँ। पूरे जिले में पुलिस ही शराब बिकवा रही है, तभी कार्यवाही नहीं कर पा रही। वहीं किसानों को लेकर सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि किसानों के खेतों में आग लग रही है, लेकिन प्रशासन मौन बैठा है, ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है। किसान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। प्रयाग एक्सप्रेस ने उसके लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हमसे कुछ अपने जिले के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, चाहे पेपर के माध्यम से हो चाहे वैसे भी, लगातार हमारे क्षेत्रों में, खेतों में, खलिहानों में या वैसे भी जगह आग लग रही है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास या हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए कोई समुचित साधन नहीं है। इस पर सरकार पूरी तरह से विफल है और किसान पीड़ित हैं, उनके लाखों लाख के नुकसान हो रहे हैं। उसकी भरपाई सिर्फ तहसीलदार भेज करके एक मुआवजा का लालीपाप दिखाया जाता है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि जब फसल बीमा योजना, फसल का की बीमा होती है तो जब ये आगजनी होती है उसी टाइम फसल बीमा योजना की बात क्यों नहीं होती, मेन पॉइंट ये है। और आग लगने के बाद किसान चक्कर लगाता रहता है खेतों में, तहसीलों में, लेकिन उसका मुआवजा अंतिम समय तक नहीं, अंत में वो भूल जाता है। तो मेरा आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन से ये मांग है कि जहाँ जहाँ आग लग रही है वहाँ पर फसल बीमा योजना पहले करें, मुआवजा की कार्रवाई बाद में करें, और दूसरा जो सरकार पूरी तरह से, जो प्रशासन पूरी तरह से ये आग बुझाने में अक्षम है, वहाँ जिसके खेतों में आग लगती है, गाँव वाले किसी तरीके से आग बुझा पाते हैं, दमकल नहीं पहुँच पाते, तो मेरा आप सबके माध्यम से ये भी मांग है कि अधिक से अधिक दमकल उपलब्ध हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि हमारे क्षेत्रों में हर जगह, कई क्षेत्र हमारे ज़िले में ऐसे हैं, हनुमना मऊगंज के साथ साथ नई गढ़ी, मनगवा, मैंने कई जगह भ्रमण किया, मैं देख रहा हूँ पेयजल का घोर संकट है, हाहाकार मचा हुआ है, हैंडपम्पों में पाइप नहीं है, कुएँ सूख रहे हैं। सरकार को इसमें अपनी तरफ से जिला प्रशासन को चेतना होगा कि ये जो दो महीने हैं काफ़ी संकट का विषय है, किलोमीटरों जा करके पानी लेने जाना पड़ रहा है, इसके लिए भी व्यवस्था जिला प्रशासन को करने की ज़रूरत है। रही बात जिला प्रशासन और सरकार ये कह रही है कि हम 1 तारीख से गेहूं खरीदी केंद्र करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब धान खरीदी केंद्र हो रही थी, खरीदी हो रही थी, उस समय केंद्रों की डेट तो निर्धारित कर देगी फला तारीख से धान खरीदी जाएंगे, लेकिन 15 दिन 20 दिन बीत गए। सरकार की इसमें पूरी मंशा ये रहती है कि कम से कम खरीदी हो, इसमें बाद में जो गाड़ियां, ट्रैक्टर्स ये ढुलाई करते हैं, छोटे छोटे पिकअप ढुलाई करते हैं, उनको जबरन पकड़ करके थाने में खड़ा कर दिया जाता है, उनके ऊपर चलानी कार्रवाई कर दी जाती है अवैध रूप से। अब ये बताया जाता है कि अवैध धान है, धान हम ये कहते हैं कि किसानों की धान अवैध आप बता करके सिर्फ ये कहना, आपके पास बजट नहीं होता, आप किसानों को गुमराह करते हैं कि किसान कम से कम खरीदी केंद्रों में आए और कम धान की खरीद। उसी तरीके से गेहूं खरीदी में भी होने जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र नहीं करें और जो डेट निर्धारित करें उस डेट से लेकर के लास्ट डेट जो भी निर्धारित हो उसमें समुचित किसानों के गेहूं खरीदी करने के लिए समुचित व्यवस्था करें। तीसरा, चौथा,
इस समय कोरोना का हाहाकार फिर बताया जा रहा है कि पूरी तरह से कोरोना फैल रहा है। कोरोना पिछले साल आया, कोरोना फिर बीच में चला गया, फिर कोरोना आया। जहां चुनाव होता है कोरोना नहीं रहता, जहां चुनाव नहीं है वहां कोरोना आ जाता है। तो मेरा तो ये कहना है, यह कोरोना सिर्फ आम लोगों को जेब में डाका डालने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस पर मैं पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर को ये बताना चाहता हूँ कि जबरन आप मास्क के नाम पर और कोरोना के नाम पर जबरन डाका नहीं डालें। अगर आपको ज़्यादा चिंता है कि कोरोना से लोगों को बचाया जाए, तो कोरोना से बचने के आप उपाय करिए, ये न कि उनको जेब में डाका डालें। यही आप सबके माध्यम से मेरा अनुरोध था। उन्हीं के पास आपके ऊपर भी आरोप आता है कि मौगंज का ठेका आपके नाम से चलता है। बिल्कुल गलत बात है। तब इसका मतलब आप रिकॉर्ड निकाल करके देखो। नहीं नहीं, रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड की बात कर रहे थे। आपने बताया ना कि बहुत सारे लोग, एक आदमी रिकॉर्ड में होता है, बहुत सारे आप रिकॉर्ड होते हैं, उसी तरह आप रिकॉर्ड में आपका भी नाम आता है। देखिए ऐसा है कि हम तो भाषण तक में ये बात बोली थी कि अब पुलिस ठीका चलाती है, तो अगर मेरे नाम से होता फिर मैं क्यों बोलता, मैं करता तो मैं क्यों बोलता। मैं तो शराब जीवन में न पिया कभी, न मैं कभी जानता शराब। नहीं, बात आती है सामने, वो बोल रहा हूं। अब बात बोलने के तो आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो। नहीं, मैं नहीं लगाता। आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो, आप सीधे सीधे मेरे ऊपर आरोप लगा दो, ये लगा देने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, पुलिस के गृह मंत्री है, इसीलिए तो पुलिस बिकवा रही है भाई। हमने गृह मंत्री के अलावा हमने PWD मिनिस्टर को तो नहीं बोला, तो पुलिस, अरे पुलिस गृह मंत्री भैया, गृह मंत्री मतलब पुलिस। मतलब आपका कहने का यह है कि शराब ठेकेदार और गृह मंत्री में साठ हजार पूरी तरह से ऐसे। तो क्या है, इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे? हम तो चलाए नहीं, मतलब अभी तो आप केवल अखबारों में और बयानों में चला। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। और जमीन में कब चले? बिल्कुल जेल तक कब जाएंगे? अब जेल किसी दिन पुलिस भेज सकती है, जेल पुलिस को भेजना, हम बोल रहे हैं पुलिस को भेज देगी। आपकी गिरफ्तारी घर में बैठे बैठा है तो कभी हुई नहीं आज तक कि आप घर पे बैठे हो पुलिस उठा के ले गई, ऐसा तो होता नहीं। हम ये कहते हैं आप अक्सर आंदोलन प्रदर्शन से ही जेल तक जाते हैं। हाँ, तो ये समझ लीजिए कि मान लो कब चालू हो जाएगी, किसी दिन चालू हो सकती है। मुद्दे थोड़ी सी और, एक आग दो थोड़ा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। शराब ठेकेदार होगा, SPIG कौन होगा? ये पूरा प्रशासन और शासन, अब ठेकेदार भी सामने आएंगे अगर जो ठेका लिए रहेंगे, इसमें कोई सी बात है, उनके खिलाफ भी बोला जाएगा, ऐसा थोड़ी है। स्थानीय प्रसाद, स्थानीय नेताओं को भी संरक्षण है, स्थानीय भाजपा के जो नेता हैं। ये भगवान, मैं ये कह रहा हूँ, जब पूरा गृह मंत्री का है उसमें, तो स्थानीय क्यों नहीं होगा, पूरे सरकार का। यहाँ के भी पावर सेंटर वाले नेता शामिल हैं। अब यहाँ पावर सेंटर, हमें नहीं मालूम कौन है पावर सेंटर में। यहाँ का पावर सेंटर तो देखिए नरोत्तमय जैसा, मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार शराब ठेकेदारों से ठेका करवा रही है। तो पानी के बाद आपका अगला मुहिम शराब के खिलाफ, जनता को बचाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जहरीली शराब से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अभी भिंड मुरैना में मर रहे हैं। कह दिया कि भाजपा सरकार में कांग्रेस की चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठेकेदार में 100% आप अब जब अंतर तक अंदर घुसेंगे तब आपको लगेगा कि इसमें कितने बड़े किसका ठीका है। ये ठीका टोटल नरोत्तम मिश्रा जी का है, वो चलवा रहे हैं। इसमें पूरा पुलिस प्रशासन है, वो चलवा रहा। बाकी अधिकारी पैकारी तो कोई बसपा से जुड़ा है, कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है। यहाँ लोकल नेताओं की बातें मत करो। बैठ करके मीटिंग लेते हैं, पूरे अधिकारियों को बोलते हैं घर घर तक शराब बिछवाओ। ठेका तो उनके नाम से नहीं, नरोत्तम मिश्रा के नाम लेके अपना कांग्रेस को बचा रहा है। किसको? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं नहीं बचा रहा हूँ। ठेका तो उनके नाम से नहीं है नरोत्तम। ठेका गृह मंत्री के नाम से थोड़ी होगा। किसके नाम से? ठेका भाई, ठेका उनके आदमियों से, उनसे जुड़े लोगों के साथ होगा। मतलब जो लोग ठेका लिए वो भी कांग्रेस के लोग, जो ठेका लिए वो भी कांग्रेस। हम ये कहते हैं कि छोटा मोटा कहीं ठेकेदारी पैकादी कोई कांग्रेस का भी आदमी करता होगा, हम इस बात से कहाँ मुकर रहे हैं, हम इस बात से थोड़ी मुकर रहे हैं। तभी ना वो कह रहे हैं, लेकिन ये सरकार का काम होता है, कांग्रेस की और प्रशासन भाजपा का, वही तो पूछ रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं, जो जो ठेकेदार है
वो ठेकेदार वो सरकारी ठेकेदार सिर्फ सरकार का होता है। दोनों की साठगांठ को तो स्वीकार कर लीजिए कि हाँ मेरी पार्टी के कांग्रेस की के दारू का ठेका और बीजेपी के शासन की साठगांठ चल रही है। कोई साठगांठ नहीं, हमारे पार्टी की कोई साठगांठ नहीं। प्रशासन तो भाजपा का है ना। हाँ बिल्कुल, भाजपा का प्रशासन है, कांग्रेस है, इसको भी आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है कि कोई कांग्रेस में रहे कोई कांग्रेस में जाए, इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि रिकार्ड से हम बाहर नहीं चले जाएंगे, बशर्ते क्या है कि ये सरकार चलवाती है और ये सरकार से जुड़े लोग चलाते हैं। स्वाभाविक है कि उसमें कुछ एक आध दो कांग्रेसी भी जुड़ गए होंगे, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि दारू के ठेकेदार सरकार को हाईजेक कर रहे हो, पैसे से पैसे की दम पे चलवा रहे हो, पैसा देकर के, ऐसा भी संभव है। तो फिर सरकार का कोई बस नहीं है तो सरकार इस्तीफा दे दे। नहीं नहीं, सरकार के बस न बस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात ये हो रही है कि भाई देखो हम ये साठगांठ को तो खोलिए बाहर। भाई देखिए ऐसा, शराब ठेकेदार सरकार के अंडर में है कि शराब के अंडर में ठेकेदार है, ये बात तो समझ के परे। हमें खोपड़ी खबर लगी है, यहाँ से विधायक को मंत्री के नाम पर खर्चा पड़ता है। भगवान यही तो मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री के नाम पर पड़ता है, मंत्री के नाम पर पड़ता है, गृह मंत्री के नाम पर पड़ता है, यही ना मैं कह रहा हूँ। सरकार के सरकार का सारा सिस्टम है, जिस क्षेत्र में धाक है, जिसकी जिस क्षेत्र में जिसका प्रभाव हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो। बताऊँ की जब कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया कि जो भू माफिया है उनको मैं समाप्त कर दूंगा, और सरकारी जमीनों पर जो बड़े बड़े बिल्डर्स घर बना बना करके या बड़े बड़े महल बना बना करके रहे उनको मैं खाली करा दूँ। उन्होंने गिराने का काम किया, उसमें उनको दिक्कतें भी आई, और उसी में जब मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह की बनी तो उन्होंने भी इसी बात को इसी नारा को आगे बढ़ाया कि हम भी भू माफियाओं को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दोहरा कानून चलाया। हमारे रीवा में भी दोहरा कानून चल रहा है, यहाँ तक कि मैंने कलेक्टर रीवा को पत्र के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से कहा कि आप रीवा में दोहरा कानून चला रहे हो कि आप गरीबों के झोपड़े उजाड़ रहे हो और अमीरों को कहीं कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्मण बाड़ की ज़मीन आप क्यों नहीं खाली करा रहे, ऐसे ऐसे काम करो तब हम माने कि आप जो है तो आप सही कार्रवाई कर रहे हो भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। आप छोटे छोटे झोपड़े उजाड़ करके वहाँ बिल्डरों को फिर से ज़मीन देने का काम आपने शुरू कर दिया है, ये सिर्फ ये सरकार और हमारा खासकर रीवा प्रशासन ये कर रहा है। जिस दिन मध्य प्रदेश की सरकार गिराना था उनको, यही शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा की बात, आप पत्रकार हैं आप सुने होंगे कि यह कोरोना नहीं डरोना, और जब उनकी सरकार बन गई तो मास्क बांध करके बैठ गए, और आप भी चाहते हैं कि मास्क के नाम पर कोरोना के नाम पर कोई भी ऐसी चीज ना उभर करके सामने आए कि शिक्षा चौपट हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब बातों को दबाने के लिए ये कोरोना बढ़ाते रहते हैं और घटाते रहते हैं। मैं इस मुद्दे पर एकाध बार और बोला था, भाषणों में भी बोला, मैं 20-25 सालों से राजनीतिक जीवन में हूँ। जब होली आती थी तो इतना ज़्यादा थानों में रिपोर्ट नहीं होती थी होली के दिन, लेकिन ये पहला अवसर मैंने देखा कि एक थानों में कम से कम 15-15, 20-20 रिपोर्टें लिखी गई हैं, और उसमें मर्डर तक हुए, ढेरा में मर्डर हुआ, हमारे हाटा सेक्टर में मर्डर हुआ, और जगह बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, 307 तक के अपराध दर्ज हुए। इससे ये प्रतीत होता है कि पहले नगरों में दुकानें खुलती थी, अब हमको लगता है घर घर दुकानें गांवों तक पहुंच गई हैं, इसलिए इतना अपराध बढ़ गया है। इस वर्ष तो कोई कहने की बात ही नहीं है, समझ लीजिए। मैं रही बात को कोरेक्स अगर नहीं बिकेगी तो अधिक से अधिक शराब बिकेगी, ये खुली बात है, कोई कहने की बात है, इसलिए कोरेक्स पर कार्रवाई ज़्यादा होती है, शराब पर कम होती है। भाजपा सरकार में कांग्रेस की